गोविंदगढ़ कस्बे में वसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। विद्यालयों में वसंत पंचमी पर विद्यार्थियों को इस पर्व का महत्व एवं उपयोगिताएं बताई। पीले पुष्प एवं बसंती वस्त्र से मां सरस्वती का पूजन किया गया। कस्बे के जेपीएस स्कूल में बच्चों के बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे घर से व्यंजन तैयार करके लाए और बाल मेले में स्टॉल लगाई, जहां विद्यालय के बच्चों ने इसका लुत्फ उठाया। वही सेट मेरी स्कूल भारतीय आदर्श विद्यापीठ भारतीय विज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहित अन्य विद्यालय में वसंत पंचमी के अवसर पर विद्यालय में आयोजन हुए। संस्था प्रधान विष्णु शर्मा ने सरस्वती पूजन का महत्व बताया। उन्होंने सफल जीवन के लिए बदलाव लाने की बात कही। हमें अपने नियमित जीवन में ऐसे ही संस्कारों एवं धार्मिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में जेपी स्कूल गोविंदगढ़ में बच्चों का बाल मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे घर से निर्मित कराकर सामग्री लाए और बच्चों ने सामग्री का लुत्फ उठाया। खाद्य सामग्री उपलक्ष्य से भेलपुरी, पाव भाजी, चाउमीन, डोसा, चने, मसाला। आज बसंत पंचमी उनका विद्यालय में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है इसके बारे में बच्चों को बतलाया। आज बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया गया था और बसंत ऋतु के बारे में भी बतलाया गया। हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर कृषि से आधारित बच्चों को बहुत सारी जानकारियाँ एजुकेशन से संबंधित दी गई। और हमारे बीच में डॉक्टर डीपी शर्मा जी को हमने आमंत्रित किया था, उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में बच्चों को विस्तार से जानकारी दी कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है, हमारे हेल्थ के बारे में प्रॉपर जानकारी बच्चों को प्रसारित की। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों इस उत्सव पर, बसंत पंचमी के उत्सव पर हमारे विद्यालय में बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से प्रसारित किया गया, समझाया गया और बच्चों को बहुत अच्छा लगा रहा है।